गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप लोग जैसा कि जानते हैं पितृपक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध जिसको बोलते हैं, तो उसकी आज नवमी है। तो देखिए मैंने क्या क्या बनाया है आज। तो यहाँ मैं खीर बना रही हूँ। तो चावल को मैंने पहले से ही भिगो दिया था आधा घंटा पहले ही। उसका पानी निकाल कर एक चम्मच घी डाला है, उसको अच्छे से भून लिया है और दूध को बॉईल कर रही हूँ। दूध मेरा करीब 1.5 लीटर तक है, तो ये चावल मैं उसी में डाल दूँगी और खूब अच्छे से खौलाना है मुझे जब तक मेरा दूध खूब गाढ़ा नहीं हो जाए। तो जब तक मेरी खीर पकेगी तब तक मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है और सभी को जल्दी रहती है और पूजा करने के बाद ही सब खाना खाएँगे। तो आज नाश्ता नहीं बना, आज यही ब्रेकफास्ट और यही लंच होगा। तो अब मैं इधर सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई गरम कर दी है और मैंने आलू को पहले से बॉईल कर लिया, तो मैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे। तो उसमें तेल डाल दिया, तेल मेरा गरम हो जाएगा तो उसमें जीरा डाल दूँगी, जीरा मेरा चटक जाएगा। तो मैंने हरी मिर्च को यहाँ लंबे कर में काट दिया है और आलू को मैं काटूँगी नहीं, आलू को मैश कर लूँगी थोड़ा बड़ा बड़ा। और इधर मेरी खीर भी पका रही हूँ तो बीच बीच में उसको भी चला रही हूँ। चेक कर रही थी कि मेरा तेल हुआ है या नहीं है। तो तेल मेरा गर्म हो जाएगा तभी मैं इसमें जीरा डालूँगी, क्योंकि सरसों का तेल है, अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। तो अभी मेरा तेल गर्म नहीं हुआ है, तब तक मैं ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने इसमें खीर में डालना है उनको उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो नारियल को घिस रही हूँ जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है, तब तक बीच बीच में मैं खीर को भी चला रही हूँ, क्योंकि चलाते रहना है वरना नीचे चावल चिपक जाएंगे। और इसी बीच में मुझे लगा मेरा तेल गर्म हो गया है, तो मैंने जीरा और हरी मिर्च जो ली थी इसी में डाल दिया है। और जो सूखे मसाले जो डेली मसाले ऐड करती हूँ मैं, वही मसाले डाल रही हूँ। हल्दी, मिर्च है, गर्म मसाला, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, बस यही मसाले हैं। तो इसको डालने के बाद थोड़ी देर पका के फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी, क्योंकि मेरा मसाला जल ना जाए इसलिए मैं इसे पानी डाल दूँगी। और फिर मैंने ये टमाटर और प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है, तो इसमें ऐड कर दूँगी और फिर इसको अच्छे से पका लूँगी मैं। मसाले को मुझे खूब अच्छे से पकने देना है। और मेरा नारियल अभी घिसा नहीं है तो इसको घिस रही हूँ बीच बीच में। खीर भी पक ही रही है, दोनों काम हो रहा है ताकि जल्दी हो जाए। सब लोगों को भूख भी लगी है, 10 बज रहा है और अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। तो बस पूजा वूजा हो जाएगी तो फिर सब लोग खाना खाएंगे। सब लोग वेट भी कर रहे हैं कि जल्दी बन जाए तो पूजा हो तो खाना खाएं। तो गाइस आप लोग बताइएगा आप लोगों के घर में किस तरीके से मनाया जाता है और कैसे होता है, किन किन के घर पर होता है, क्योंकि ये पिंडदान हो जाता है तो वो लोग नहीं मनाते, लेकिन अभी हमारे यहाँ नहीं है तो मेरी सासू माँ मनाती हैं इसको। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग घर में किस तरीके से मनाया जाता है। तो ये मेरी खीर भी पक के तैयार हो गई है। तो मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे, इलायची पाउडर, और मैंने इलायची को कूट लिया था, इसी में डाल दूँगी और बस खीर बन के तैयार हुई। खीर हटा दूँगी, लगभग मेरे मसाले भी हो गए हैं। तो जो आलू को मैंने मैश करके रखा है इसी में आलू भी ऐड कर दूंगी और इसको थोड़ी देर चलाऊंगी, फिर उसमें पानी डाल दूंगी और पानी मैं करीब 2 गिलास तक डालूंगी। और आप लोग जैसा खाना चाहते हो थोड़ा कम पानी ऐड कर सकते हो, पर मैंने अपने हिसाब से पानी 2 गिलास तक डाला है, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो इसमें। तो बस इसको ढक के पकने दूंगी 10 मिनट तक। नमक डालना है इसमें, नमक आप स्वाद के अनुसार डालिए। सब्जी पक रही है जब तक, फिर मैं आटा भी लगा लेती हूँ। आटे को मैं गूंद लूँगी, पूड़ी के लिए आटा सख्त गूंदना है। तो सब्जियाँ पक रही है, जल्दी जल्दी आटा भी गूंद रही हूँ इसीलिए।
तो गाइस जो सब पकाते वक्त थोड़ा सा गंदा हो जाता है प्लेटफॉर्म, तो उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी पक गई, मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। धनिया डाल के मैं कढ़ाई इसको नीचे उतार दूँगी, फिर मैं इधर पूड़ियाँ बनाने के लिए स्टार्ट करूँगी। बस पूड़ियाँ भी बनने लगी हमारी। तो गाइस ये देखिए, ये मेरी मम्मी सासू माँ मेरी पूजा कर रही हैं, और इस तरीके से हमारे घर में होती है पूजा। आप लोग बताइएगा जरूर। मैंने शूट नहीं किया, मेरी बेटी शूट करी है, तो सही से मोबाइल को नहीं पकड़ी हुई थी, रेक्टेंगल के शेप में पकड़ ली थी उसको, तो इसलिए सही से पूरा वीडियो नहीं आ पाया है। और बताइए ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। हाय एवरीवन, तो जैसे कि आपने आज देखा कि आज पितृ की नवमी है, यानी पितृपक्ष चल रहे हैं इस समय, तो नव उसकी नवमी है, तो उसी की पूजा हुई है आज। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो अभी देखा अपनी बेटी को मैं खाना खिलाई थी, बहुत मस्ती करती है और अभी मस्ती कर ही रही है। आओ जल्दी आओ, आओ देखो देखो देखो, आओ अच्छा ये लो जल्दी आओ, देखो ये देखो, आओ अच्छा अले बाबू, टाटा कर दो, टाटा करो, नहीं कर दो, टाटा कर दो, नहीं टाटा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना टाटा, नहीं करना आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में जो बेल आइकॉन आती है उसको भी प्रेस करिएगा, और बताइएगा ज़रूर, और अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।